होम में आप सभी का स्वागत है। जैसे ही बेबी 6 मंथ्स का होता है, हम उसे सेमी सॉलिड इंट्रोड्यूस कर देते हैं और धीरे धीरे उसको नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करते जाते हैं। क्योंकि हम बच्चे को पहली बार चीज़ें दे रहे होते हैं तो बहुत सारा डाउट होता है कि उसको क्या दें क्या ना दें। अगर आप अपने जो एल्डर वुमेन है फैमिली की, जैसे दादी नानी, वो आपको बताएंगे कि हम अपने बच्चों को ये देते थे ये देते थे, वहीं उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डॉक्टर्स जो हैं मना करते हैं। आप इवन उनको पढ़ सकते हैं, उन चीज़ों का क्लियरली मना किया होता है, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाता है कि बच्चे को क्या दे क्या ना दे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जब तक आपका बेबी 1 साल का ना हो जाए, आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अपने बेबी को नहीं देने हैं। बट उससे पहले, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो सबसे पहली चीज़ आपको अपने बेबी को भूल कर भी नहीं देनी है, वो है नाचोस या चिप्स। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं और अक्सर बच्चे इन्हें निगल जाते हैं, तो इससे चोकिंग की जो प्रॉब्लम है वो आप फेस कर सकते हैं। और बताने की ज़रूरत नहीं, चोकिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं मेरे हस्बैंड आरव के साथ मेरी एक फ्रेंड के यहाँ गए थे, जिनकी बेबी जो है आरव के एज की है, उस टाइम 18 मंथ्स अराउंड थे। तो वो नाचोस खा रही थी, इतना छोटा सा पीस वो खा रही थी। तो जब मैंने अपनी फ्रेंड से कहा तो उसने बोला नहीं, ये खा लेती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम बातों में बिजी हो गए। सडनली हमने देखा कि जो उनकी बेबी है वो एकदम से चोक करने लगी। लकली क्या है, क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ थे और वो डॉक्टर है, तो उन्हें पता था कि ये चोकिंग की प्रॉब्लम को कैसे डील करना है। और उस टाइम उस बेबी का फेस ऐसा हो गया था, आंखें बाहर निकलने लगी थी, पूरा फेस रेड टर्न हो गया था। मतलब अगर मैं और मेरी फ्रेंड वहाँ पर होते तो आई वंडर हम लोग क्या करते, क्या नहीं कर पाते, बहुत ही डेंजरस हो सकता था। जब उसने निकाला उसको, मेरे हस्बैंड ने पूरे जो प्रोसेस कंप्लीट कर ली, उसके बाद जब वो नाचोस निकला तो उतना का उतना बेबी ने पूरा निगल लिया था, वही का वही निकल गया। तो आप समझ सकते हो कि वो उसके जो पाइप में कितनी बुरी तरीके से फंसा होगा, कितना बेबी पेन में होगा। तो ये दोनों चीज़ें भूल कर भी आप अपने बेबी को ना दें जब तक वो 1 साल का ना हो जाए, या फिर 1 साल का हो गया है लेकिन उसे अभी अच्छे से चबाना नहीं आता है, तो इस चीज़ को अपने घर पे बिल्कुल भी ना लाएं। सेकेंड चीज़ जो आप अपने बेबी को बिल्कुल भी नहीं देंगे वो है शहद। शहद आपको बहुत लोग सजेस्ट करेंगे कि बच्चे को दें। कई लोग बोलते थे बच्चों को शहद देते हैं तो वो मीठा बोलते हैं, लेकिन जब तक बेबी 1 ईयर का नहीं हो जाता है आपको उसको शहद नहीं देना है। आप डॉक्टर से ही पूछेंगे तो आपको साफ मना करेंगे कि शहद बेबी को बिल्कुल भी नहीं देना है। थर्ड चीज़ है नमक। नमक आपको अपने बेबी को बिल्कुल भी नहीं देना है जब तक वो 1 साल का नहीं हो जाता है। अब आप सोचोगे कि बिना नमक के खाना कितना फीका लगता है, लेकिन छोटे बच्चों को आपको बिना नमक का ही खाना देना है, क्योंकि नमक ज़्यादा देने से कभी कभार आपने बिल्कुल थोड़ा सा दे दिया वो अलग बात है, लेकिन रेगुलरली देने से या नमक ज़्यादा देने से क्या है, बच्चे की किडनी पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर्स जो है मना करते हैं कि भूल कर भी अपने बच्चे को नमक ना दें। जो चौथी चीज़ आपको अपने बेबी को नहीं देनी है वो है शुगर। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि क्या हम चीनी बच्चे के दूध में डाल सकते हैं, फॉर्मूला मिल्क में डाल सकते हैं। तो मैं कहूँगी नहीं, उसमें आपको चीनी नहीं डालनी है। वो इस तरीके से बनाया गया है कि उसमें शुगर की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको अपने बच्चे को शुगर नहीं देनी है। कभी कभार, जैसा मैंने नमक के केस में कहा, वैसे शुगर के केस में कभी कभार हो गया वो अलग बात है, लेकिन रेगुलरली चीनी बच्चे को नहीं देनी है। क्योंकि क्या होता है, शुगर आप जब रेगुलरली देंगे या ज़्यादा देंगे तो बच्चे के दांत में कीड़े लग सकते हैं, या बच्चों में जो मोटापा है वो हो सकता है। तो इसीलिए जब तक बेबी 1 साल का नहीं हो रहा है आप शुगर को जो है कम्प्लीटली अवॉइड करें। जैसे मैंने कहा, थोड़ा बहुत अलग बात है, रेगुलरली नहीं देना है। फिफ्थ चीज़ है गाय का दूध। बच्चे को जो है मदर को ब्रेस्ट फीड कराना होता है एटलीस्ट 1 ईयर तक, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाते हैं, या तो मिल्क सप्लाई कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं होती है। तो बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि गाय का जो दूध है वो बेबी को दिया जाए, लेकिन मैं आपसे कहूँगी बिल्कुल भी ऐसा ना करें। पता नहीं क्यों एक ये डर है लोगों में फॉर्मूला मिल्क का कि अच्छा नहीं होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन फॉर्मूला मिल्क जो है बिल्कुल सेफ़ होता है। मैंने ऑलरेडी, अगर आपको कोई डाउट है फॉर्मूला मिल्क को लेके, ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल में कर दिया है, तो आप जाकर देख सकते हैं।
तो अगर मिल्क सप्लाई कम है, नहीं आ रही है, तो आप फॉर्मूला मिल्क दें, लेकिन गाय का दूध बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। जो बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत वीक होता है उसको पचाने के लिए। तो ऐसा भी हो जाता है, कई लोग जब गाय का दूध देते हैं तो बच्चे को जो है दस्त लग जाते हैं, पॉटी स्टार्ट हो जाती है, या फिर एलर्जी हो जाती है। तो 1 साल तक आपको बेबी के लिए गाय का दूध अवॉइड करना है। 1 साल का हो जाए उसके आप बाद बिल्कुल बच्चे को गाय का दूध दे सकते हैं। 6th चीज़ है बिस्किट्स। बहुत कॉमन है कि बेबी 6 मंथ्स का हो जाता है, उसके बाद लोग क्या करते हैं, बच्चे को जो बिस्किट है दूध में डुबो के दे देते हैं, सॉफ्ट हो जाता है दे देते हैं। लेकिन आपको बता दूँ, बिस्किट्स क्योंकि मैदा के बने होते हैं और मैदा बिल्कुल भी अच्छे नहीं है बच्चों के लिए। इवन जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी मैदा ज़्यादा खाने के लिए मना करते हैं। तो आप छोटे बच्चे के लिए इम्पैक्ट समझ सकते हैं क्या होता है। अब आप सोचेंगे इतने से बिस्किट से क्या होगा, पेट भी बच्चे का इतना सा ही है, तो आप उसी रेशियो में लगा लीजिए कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो जब तक बच्चा 1 साल का नहीं होता है तो बिस्किट देना अवॉइड करिए। मैं एक चीज़ क्लियर कर लूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, कभी कभी बहुत रेयरली देना एक अलग बात है, इसीलिए बार बार इस चीज़ को कह रही हूँ। मैं यहाँ बात कर रही हूँ रेगुलरली या ज़्यादा ना देने की, कभी कभी चीज़ें चलती हैं। 8वीं चीज़ है कॉफ़ी या टी। बताने की ज़रूरत नहीं, टी और कॉफ़ी में कैफीन बहुत ज़्यादा होता है। इवन हम बड़े लोगों के लिए वो अच्छा नहीं होता है, तो छोटे बच्चे के लिए आप समझ सकते हैं कितना ख़राब हो सकता है। इसमें कैफीन होता है, चाय ज़्यादा पीने से या कॉफ़ी ज़्यादा पीने से एसिडिटी हो जाती है, तो अगेन बेबी को जो है स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप भूल कर भी बच्चे को, जब तक वो 1 साल का नहीं हुआ, इवन बाद में भी जो है चाय और कॉफ़ी की आदत ना डालें, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बेबीज़ के लिए, तो इसे आपको अवॉइड करना चाहिए। 9th है एलर्जिक फूड आइटम्स। कई सारे फूड ऐसे होते हैं जिनसे एलर्जी होती है, अक्सर सुनने में आता है कि एलर्जी होती है, जैसे कि एग। अब एग से एलर्जी हो ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन कभी कभी एलर्जी भी हो जाती है। अब बेबी को इससे एलर्जी है या नहीं वो तो हमें तभी पता चलेगा जब वो खाएगा, इसीलिए आप कम से कम इन्हें 1 साल तक अवॉइड करें, क्योंकि तब तक बच्चा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है स्ट्रांग हो जाएगा, उसके बाद आप दे सकते हैं। याद रखिए, जब आप ऐसे फूड बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिनसे एलर्जी होना कॉमन है, या फैमिली हिस्ट्री हो आपके यहाँ किसी भी चीज़ से एलर्जी होने की, तो आपको क्या करना है, बहुत ही मिनिमल के साथ स्टार्ट करना है और ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करना है, ताकि ऐसा ना हो कि आप एकदम से उसको दे दें और फिर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाए। तो एलर्जिक फूड जो हैं उनको आप 1 साल तक एटलीस्ट अवॉइड करें। 10th है ड्राई फ्रूट्स या फिर नट्स। वैसे इनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जैसा कि नाचोज और चिप्स के केस में था, वैसे ही ड्राई फ्रूट्स और नट्स के केस में चोकिंग की प्रॉब्लम है वो हो सकती है, क्योंकि उसे निगलने से पहले अच्छे से चबाना होता है और छोटे बच्चे अक्सर ये करना भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप अपने बेबी को दे रहे हैं तो इसको घिस के दें, मेक श्योर करें कि कोई भी चंक ना रहे, बिल्कुल फाइन हो वो, ताकि बच्चे के गले में अटके नहीं। अब जैसे बादाम देते हैं, आप अपने बेबी को दे रहे हो तो क्या करो, रात में उसको भिगो के रख दो और सवेरे उसको घिस के आपको देना है। 1 साल से छोटा बच्चा है तो उसको आपको पूरा पूरा नहीं देना है कि वो चबा लेगा। इवन अगर बच्चे को अभी 1 साल से बड़ा हो गया और चबाना नहीं आता है, तो पूरा पूरा सॉलिड फॉर्म में आप नहीं देंगे, कोशिश करिए उसको पाउडर करके या घिस के आप अपने बच्चे को दें। तो ये हो गई सारी चीज़ें जो आपको अपने बेबी के लिए 1 साल तक अवॉइड करनी है। 1 साल के बाद या जब आपका बच्चा अच्छे से चू करना सीख जाए तब आप उसको दे सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करें और जितना पॉसिबल हो पाए शेयर करें, ताकि जो पेरेंट्स हैं उनको हेल्प मिल पाए।